मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी मेरी एक FIR दर्ज हुई है अभी विजयनगर पुलिस स्टेशन में 377 को लेके। मेरा एक पार्टनर था, उसका नाम विभव शुक्ला है, उसकी मेरी मुलाकात हुई थी 2021 में इंस्टाग्राम के थ्रू। उस टाइम पे मैं उसे सोनू नाम से जानती थी, उसने अपना सोनू नाम बताया था और उसी इंस्टा ID से मुझे मैसेज वैसेज किया था। डेटिंग ऐप के थ्रू हम लोग मिले थे, टिंडर के थ्रू उसने मेरी इंस्टा ID ली थी। फिर उसने मुझे मैसेज किया, उसने मेरे अंदर इंटरेस्ट दिखाया और मुझे कहा कि मुझे भी बॉयज पसंद है, तुम पसंद हो। फिर उसके बाद जुलाई में वो मुझे वृंदावन में मिला, वृंदावन आया मिलने के लिए। उसने मुझसे आमने सामने बात करी कि दीप तुम लड़की जैसी हो, दिखती भी हो, आप अपनी जेंडर चेंज सर्जरी कराओ, मुझे वैसे भी लड़के पसंद है, तो जेंडर चेंज सर्जरी करा लो, फिर मैं तुमसे शादी करूँगा। मैंने उसी के कहने पे ब्रेस्ट सर्जरी करवाई अपनी जुलाई में 2022 में। उसी के कहने पे मैंने अपना फेस चेंज सर्जरी करवाई है अभी दिसंबर में, उसने पैसे भी दिए थे मुझे फेस चेंज सर्जरी कराने के लिए। और अब जुलाई में मेरी आखिरी सिग्मोइड सर्जरी है, पर उसने मुझे बोल दिया कि दीप तुमको बच्चे नहीं होंगे तो मैं शादी नहीं कर सकता, तुम छोटी कास्ट की हो तो मैं शादी नहीं कर सकता, तो आप मेरे साथ 2-2.5 साल से रह रहे हो, आप मुझे शादी का बोल के मेरा शोषण कर रहे हो, आप प्राकृतिक सब कुछ कृत्य कर रहे हो, और अब आपको एंड टाइम पे ये याद आया कि तुम नीची कास्ट की हो। मैंने तो आपके लिए अपना शरीर चेंज किया था ना, मैंने तो विभव शुक्ला के लिए अपना शरीर चेंज किया है, मैंने अपना फेस चेंज कराया, इतना दर्द सहन किया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं आपके साथ इंदौर रहूँगा, आपसे शादी करूँगा और यहीं रहूँगा। और आज ये एंड टाइम पे मुझे बीच रास्ते में छोड़ के सिर्फ एक सॉरी बोल के जा रहा है कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तो क्या इसकी सॉरी बोलने से मेरी ज़िंदगी सही हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है? क्या मुझे कोई लड़का कभी मिलेगा कि मैं ज़िंदगी भर ही ऐसे रहूँगी? आगे मेरा यही फैसला है, प्रशासन या तो इसे कड़ी से कड़ी सजा दे या तो फिर मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान करे। ये लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है? लड़के का नाम, पूरा नाम है विभव शुक्ला, ये कानपुर निवासी है, PAC रोड श्याम नगर में रहता है, इसका निर्वाणा कैफे है। कौन से थाने में आपने FIR दर्ज कराई और कितनी बार आपके साथ इसने दुष्कर्म किया? विजयनगर थाने में FIR करवाई है और ये 27 मई 2023 से लेकर अभी तक 12 फरवरी तक करते ही आया है। कभी मुझे कानपुर बुलाता था 3 दिन के लिए, कभी खुद इंदौर आता था 3 दिन के लिए, या कभी दिल्ली लेके जाता था या तो वृंदावन आता था ऐसे। आप दोनों के पेरेंट्स राजी थे शादी के? मेरे पेरेंट्स को इसने मनाया था शादी के लिए, घर पे आके मम्मी से बात करी थी, मुझसे बात करी थी, फिर ये घर से ही परमिशन लेके मुझे ले जाता रहा, मम्मी से बात करता रहा, और एंड टाइम पे इसने मुझे धोखा दे दिया। उसके पेरेंट्स से उसने कभी बात इसलिए नहीं कराई, उसने बोला था कि दीप मैं टाइम आने पे खुद बात रखूंगा, और आज अपनी बात नहीं रखी और मुझे धोखा दे के छोड़ दिया। पुलिस ने मेरी मदद करी है, मेरी FIR लिखी है पुलिस ने, आज मेरे 164 के बयान भी हुए हैं, कल शायद अरेस्ट वारंट इशू हो जाए, तो मैं तो यही चाहूंगी पुलिस जल्दी से जल्दी उसको पकड़ के लाए और दंड दिलाए। उसके घर वालों से क्या कहना चाहते हो? उसके घर वालों से यही कहना चाहती हूँ कि आपके घर में अगर आपकी लड़की के साथ कोई लड़का ऐसा करके जाता तो आप क्या करते? मैंने उसके चाचा से बात करी थी, उसके चाचा ने मुझे फोन पे फॉलो बैक तक नहीं दिया, एटलीस्ट हमदर्दी तो दिखा सकते थे कि दीप हमारे बच्चे ने तेरे साथ इतना गलत किया, और ऊपर से मुझे ही बोल रहे थे वो कि अगर वो कल को मर जाए ना खुश रहे। अरे उसने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है, मैं तो नेचर के अगेंस्ट ही उसके लिए गई थी, प्रकृति से लड़ी, अपनी मौत से लड़ी, उसके लिए ही लड़ी हूँ। इसमें कितना सब खर्च हो गया और उसने कितना पैसे दिया? इसमें कम से कम 45-46 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ और मेरा इवेंट का भी काम है, राधा कृष्ण के प्रोग्राम का इवेंट का छोटा सा काम काज है, और उसने भी मुझे 2-4 लाख रुपए की हेल्प करी है। कि पैसा अरेंज कैसे किया था? मैं खुद कमाती थी, खुद सेल्फ थी, पहले मेरा जॉब था, 9-10 साल मैंने जॉब किया अपोलो टावर में, अभी भी मैं उनके लिए काम करती हूँ, वो अपोलो टावर नीलम स्टोर पे मैं अभी भी उनके लिए फैशन डिजाइनिंग का काम करती हूँ, प्लस मेरा साइट का काम है जो मैं इवेंट उठाती हूँ, जैसे शादियों का इवेंट हो गया, राधा कृष्ण प्रोग्राम हो गया, हल्दी सेरेमनी हो गई, ये सब मेरा काम है, तो इससे मुझे इनकम मिल जाती है 1-2 लाख रुपए महीने की, तो मैं अपनी सर्जरी पे कंसंट्रेट कर रही थी। अब आगे क्या सोचा आपने?
आगे तो मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है, अभी मैंने बस इतना ही सोचा कि मेरे साथ जो चीज़ गलत हुई है उसे सजा मिले, क्योंकि मेरी लाइफ तो ख़राब है ना, मैं पीछे तो जा नहीं सकती, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए। वो शायद हिम्मत जुटाने में मुझे बहुत टाइम लग जाए, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि उसके ऊपर क्या बीतती है। वो इंदौर का एक जो आवेदक है, उनका इंस्टाग्राम पे आईडी पे एक विभव शुक्ला है, कानपुर का निवासी है, तो उससे जान पहचान हुई थी, परिचय हुआ, फिर इन दोनों के बीच में मतलब थोड़ी अंतरंग बातें शुरू हो गई। फिर इसने इच्छा जाहिर करी, तो ये जो आरोपी है विभव शुक्ला, इसने वहाँ पे कानपुर वृंदावन में यूपी में बुलवाया इसको, और फिर शादी का झांसा दिया, तो बोला कि तुम अपना जेंडर चेंज कर ले। इसने ऑपरेट करवाया, आधा ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद में फिर इंदौर वो आया, यहाँ पे उसके साथ में उसने अप्राकृतिक मैथुन किया, और उसके बाद में फिर ये वापस, ये इसको जो महिला है इसको वहाँ बुलवाया गया था वृंदावन में, वहाँ इसने मना कर दिया कि अब मैं शादी नहीं करूँगा, और जान से मारने की धमकी वगैरह दी। तो उसके रिपोर्ट पे हमने 377 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया है। यहाँ पर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी परसों की कायमी है, अभी टीम भेजेंगे, उसने अपना मोबाइल वोबाइल सब स्विच ऑफ कर लिया है, और तो टीम अब आजकल में निकलेगी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।